लेकिन निफ्टी में स्पेसिफिकली आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के डायरेक्टर एंड सीईओ किरण जाधव। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सर, क्या करेंगे निफ्टी में आज? और दूसरा सवाल जो सब जानना चाहेंगे कि 70 की गिरावट गिरा सकती है यहाँ से। आशीष जी मॉर्निंग। बेसिकली टेक्निकली अगर बात किया जाए तो 16 सितंबर को एक बॉटम बनाया था मार्केट ने जो कि 7925 का था। कल इसने पहली बार ये बॉटम तोड़ा है और इसका ये मतलब हुआ कि हमने पहली बार लोअर बॉटम बनाया। ये संकेत शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे नहीं है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में आज बिकवाली ही करनी चाहिए। आपको स्टॉप लॉस 7950 रखना चाहिए और आज के लिए टारगेट 7830। जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मार्केट थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है तो ऐसी बात पहले भी हो चुकी है। जुलाई सीरीज में भी हमने देखा है, अगस्त सीरीज में भी देखा है कि करेक्टिव रैलीज आ गई है। तो ये करेक्टिव रैली कहलाएगी, बेरिश मार्केट नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टर्स ने पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट 7750, 7725 इन लेवल्स के करीब आपको देखने को मिल जाएगा जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको बेरिश रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म हो तो करेक्शन में बाय करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग है। कोई स्टॉक्स अपना आइडेंटिफाई करें आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? बिल्कुल, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए SBI शॉर्ट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2410 और टारगेट रहेगा 2280। दूसरा स्टॉक है आरकॉम, जिसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 100 रुपए पे और टारगेट रहेगा 88 रुपीज। चलिए ग्रांड सोचो, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद